कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, थाने का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। रामनगर में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं नगर परिषद चुनाव में मंत्री व पार्षद पर दर्ज मामले के विरोध में धरना प्रदर्शन कर थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा, जहां पर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं रामनगर से गोरसरी तक पद यात्रा की। संवाददाता सागर गुप्ता। आज किस बात को लेकर आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पैदल यात्रा भी निकाल रहे हैं? अब हम लोग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है रामनगर का, वो दलगत भाव से काम करता है। सब जो संविधान है, नियम है, कानून है, उनको बलाए ताक में रखकर जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके निर्देश पर, उनके इशारे पर काम करता है और आम लोगों को, कांग्रेसजनों को प्रताड़ित करता है। मैं ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्वलंत है वो महंगाई है। बड़ी भारी महंगाई पूरे देश में, प्रदेश में तो आई है और हमारे संचल में है। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान आज बेकार बैठा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और भ्रष्टाचार चरम पर है, देश में भी है, प्रदेश में भी है। तो पीछे पीछे चलेंगे, वो भी हमारा एक मुद्दा है। और भारत जोड़ो, हम लोग इसके बाद जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, यानी सभी धर्म के लोगों को जोड़ना, सभी वर्ग, सभी सांप्रदाय, सभी भाषा भाषी लोगों को जोड़ना, ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र पुनः स्थापित हो सके जैसे पहले था, उस तरह उसके लिए राहुल जी जो कर रहे हैं। तो हम लोग भी प्रतीकात्मक यहाँ से मोशरी तक 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी है पद यात्रा करेंगे और वहीं हमारा ये कार्यक्रम का समापन होगा।